इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, ठीक है। अगर इसकी बहस में हम लोग जाएं तो शायद ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा। क्यों इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, अगर ग्राफ हम लोग देखेंगे तो ये फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, ये एक सिस्टम है। यहां पे y एज ए सब्जेक्ट जब बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास दो फंक्शन आएंगे, ठीक है, कुछ y1 आएगा, कोई अलग फंक्शन आएगा, दूसरा y2 आएगा। मतलब y एज ए सिंगल वेरिएबल x नहीं आ सकता है, y जब भी सब्जेक्ट बनाओगे वो सिंगल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा, वहां पे दो फंक्शन आएंगे। और इट सेल्फ यहां से हम कह सकते हैं कि y एज ए टर्म ऑफ x निकालें तो वो फंक्शन नहीं होगा। खैर कुछ भी हो, हम उसे जाने या ना जाने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम dy by dx निकाल लेंगे, वेदर इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ, हर स्टेप फॉलो किया करिए, गलतियों से बच जाएंगे। अगर स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो गलतियों को आप इन्वाइट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप थोड़ा लिख लीजिए, गलती नहीं करेंगे। खैर दैट इंप्लाइज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलजेब्रा लगाएंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया, ठीक। ये तो अलजेब्रा लगी, यहां के बाद आपके पास कॉम्प्लिकेसी है। यहां पे देखा जाए इसे ऑपरेट करने के लिए देर इज टू फंक्शंस, एक्स इटसेल्फ वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। यहां पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर कभी भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि वो वाई का फंक्शन है, तो यहां भी प्रॉब्लम पड़ी हुई है। खैर ये तो आसान है क्योंकि टेन जो है एक्स का फंक्शन है और ऑपरेटर क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता है, ये ठीक है। और वहां डिवाइड बाय डीएक्स तो आपका है ही है। तो दो कॉम्प्लिकेसी है, एक कॉम्प्लिकेसी यहां है और ये कॉम्प्लिकेसी यहां पे है। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इस कॉम्प्लिकेसी से तो हम लोग निकल जाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब इसका क्या किया जाए, इसको तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, d बाई डी वाई वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये एडजस्ट करेंगे आप, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा tan x का, और ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग कोई ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dx बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, ठीक है, नहीं लिख रहे y इंटू वन तो आपका y ही होगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला लगाएंगे, या यहां पे लग जाए एन वाई एन माइनस वन, खैर 2y आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डीवाई बाई डी एक्स। अब डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो डीवाई बाई डी एक्स हम क्या बनाए, सब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो डीवाई बाई डी एक्स को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हो तो इससे अच्छा है कि डीवाई बाई डी एक्स का क्या कर लीजिए, कोफिशियंट कलेक्ट कर लीजिए। तो ये एक क्या होगा, क्विक प्रोसेस होगा, लेकिन कोफिशियंट कलेक्ट करने में थोड़ी सी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी आपको। तो देखिए कोफिशियंट हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डीवाई बाई डी एक्स पहले आपका LHS में यहां से आएगा, तो उसका कोफिशियंट क्या है, x है, प्लस का x लिख दिया, ठीक है। फिर यहां से आएगा डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या है आपका, 2y है, प्लस का 2y है, तो यहां पे लिख दिया प्लस का 2y, ठीक। अब एक डीवाई बाई डी एक्स यहां पड़ा हुआ है तो इसका कोफिशियंट तो नजर नहीं आ रहा है, वो 1 होगा, ठीक है, 1 इंटू समथिंग। तो लेकिन इस साइड में प्लस 1 है, ये ध्यान रखिएगा, और ये जाएगा उस साइड में, हम कलेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से उधर जाके माइनस वन हो जाएगा कोफिशियंट,
दैट इज माइनस वन, ठीक है। सारे डीवाई बाई डीएक्स हमने समेट लिए, अब क्या बचा, इक्वल्स टू जो डीवाई बाई डीएक्स नहीं थे, कौन सा नहीं था, ये नहीं था, तो ये ही साइड में आएगा आरएचएस में, माइनस वाई हो गया, ठीक है। और कौन से पहले से पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये भी आपका यही पढ़ा हुआ था, तो प्लस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आपका डीवाई बाई डीएक्स आ गया, डीवाई बाई डीएक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हो, ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करने लायक रहता तो हम लोग सोचते हैं, यहां सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं।